Assalamualaikum everyone, it's me Naila Irfan. Welcome back to my channel. Thank you so much for coming back on my channel. आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ एंटी एजिंग फेस मास्क, जिसके साथ आप अपने फेस को एजिंग साइंस को आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रही हूँ. आई एम 34 एंड मार्च में मैं हो जाऊंगी 35 ईयर्स की. तो उसके लिए एजिंग साइंस आपके फेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उसको कैसे डिले कर सकते हो वो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ. और जिनको एग से इरिटेशन या उसकी स्मेल से कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनसे मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें या थोड़ा सा उसको बेयर कर लें, क्योंकि एग से ज़्यादा आपकी स्किन को टाइट और ग्लो किसी चीज़ से नहीं आ सकती. स्किन आपकी टाइट हो जाती है एग से बहुत ज़्यादा. तो आई होप कि फ्यूचर में कोई ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जो आपके लिए जिसमें एग ना हो. आई ट्राई माई बेस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले बहुत अच्छे से कर दीजिए अपने फेस को वॉश, और ये एग वाइट को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे से आप बीट करेंगे कि ये बिल्कुल एक फ्लफ़ी सी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी से फॉर्म में होगा तो ही आपके फेस पे स्टे करेगा. ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने लगे हैं जी, 1 टेबलस्पून ऑफ हनी एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ओट्स पाउडर. आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ओट्स लेकर उनके पाउडर को इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि ये वाली रेमेडी मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो बहुत इफ़ेक्टिव है ये वाली. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए मिक्स 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 एंड फिर से मिक्स. अब आपको इसकी एक थिक सी लेयर लेकर अपने फेस पर अप्लाई करनी है. ये थोड़ा सा रनी सी फॉर्म में होगा स्टार्ट में, ये थोड़ा सा रनी रनी सा होगा, लेकिन आप जब थिक लेयर अप्लाई कर दोगे तो ये फिट हो जाएगा. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से अपने हाथों पर, जो बच जाएगा मैं उसको ऑफकोर्स अपने हाथों पर, और नेक को नहीं भूलिएगा क्योंकि आपकी फाइन लाइन नेक पर भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, और अपने हाथों पे भी इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लें. और अप्रोक्सीमेटली इसका हम 25 मिनट वेट करेंगे. लुक एट द रिजल्ट्स. ये मैंने हाथों पर भी अप्लाई करा था, आपके फोरहेड की फाइन लाइंस, आपके नेक की फाइन लाइंस, लाइक आपके फेस पर जो भी एजिंग साइंस होते हैं, इन सब को ये मास्क कर देता है जी कम. ट्रस्ट मी गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड आदमियों एंड आंटियों, ये बहुत ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव फेस पैक है फॉर एंटायर एजिंग. यू कैन सी द रिज़ल्ट आपके सामने है. जी, आई होप यू डेफिनेटली लाइक दिस रेमेडी. इफ येस, प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप. मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस. आप इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है. यू नो, आप 20s के बाद या 25 के बाद आप एंटायर एजिंग की चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दो, तो आपके ऊपर एजिंग साइंस जो हैं वो थोड़े से डिले आते हैं. मुझे ये बात बहुत देर से पता चली, 30 प्लस हो चुकी थी जब मुझे ये बात पता चली, और तब से मैंने ये सब चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट की हैं. एक एंटी एजिंग क्रीम मैंने बताई है, वो मैं यूज़ करती हूँ. एक मैंने और मास्क बताया है, वो भी मैं वीक में यूज़ करती हूँ, और कभी कभी ऑल्टरनेटिव डेज पर मैं ये वाला मास्क भी यूज़ करती हूँ. तो डेफिनेटली आई होप यू डेफिनेटली लाइक इट. जब भी आप इसको ट्राई करें, प्लीज़ कॉमेंट्स बिलो कि आपको इसका रिजल्ट कैसा दिखा, आपको कैसा लगा ये मास्क. मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. मैं वेट करूँगी आपके फीडबैक का, आपकी मोहब्बत का. और मैं, दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो. मैं मिलती हूँ आपके साथ अपनी नई वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.